हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी छात्र इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना वीडियो को लास्ट तक देखकर, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इस बार के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है। बाद में पछताना मत कि मैं इस क्वेश्चन को याद नहीं कर पाया, ठीक है? तो वीडियो को ईमानदारी से लास्ट तक देखिए सभी छात्र, और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए चुन चुन के, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र एक के क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? इनकी अक्षर ज्ञान जो पाठ है जिसका लेखक अनामिका है, तो उस पाठ में क्या मनोविज्ञान किसके आधार पर लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। इन चारों में से जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ठीक है? तो गौर से दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप तो बुक पढ़ते नहीं हो, ठीक है? अगर आप लोग बुक अच्छे तरीके से हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तब तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते हो तब तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है? इसका आंसर होगा बाल मनोविज्ञान के आधार पर लिया गया है, ठीक है? अक्षर ज्ञान। अगला क्वेश्चन इसी पर दो नंबर देखिए, तो इसी में है दो नंबर प्रश्न, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 20 के दांत, ये चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है? 20 के दांत में मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो दो दांत तोड़ डाले। कितने दांत? दो दांत, याद रखना, ठीक है? लास्ट में ही आपको जाकर पता चलेगा, ठीक है? अगर ये इस कहानी को आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक है? इसका आंसर होगा ए सी नंबर, ठीक है? इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन है, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो में क्या दिया गया, सी में। इसका भी आंसर क्या होगा? सी होगा, इंद्र का वज्र बना था, ठीक है? इसका भी आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आपको चूज करना है कि इनमें से कौन शुद्ध शुद्ध शब्द है, उत्सव या फिर उत्सव या फिर उत्सव या फिर उत्सव, ये होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही आपका मतलब कि शुद्ध वाक्य है, ठीक है? उत्सव, इसे हम ऐसे ही उत्सव लिखते हैं, ठीक है? यही आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है? याद रखिएगा, आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? ऐसे ही, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे की सही अर्थ है, कान भरना मुहावरे की सही अर्थ क्या होता है? निंदा करना, ठीक है? आंसर होगा ए नंबर, निंदा करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों याद रखना, अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक कौन है? तो अनामिका ही है, ठीक है? और अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार या फिर सोनपुर बिहार या फिर मुजफ्फरपुर बिहार या फिर धर्मपुर बिहार। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी नंबर, मुजफ्फरपुर बिहार में अनामिका का जन्म हुआ था, ठीक है? याद रखना। अगला क्वेश्चन, ई का उच्चारण स्थान है, ई ई का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है? तो आप अपने जुबान पर ई का नाम लीजिए, आप अपने जुबान पर ई का नाम लीजिएगा, ई तो तालु का यहाँ पर आएगा, तालु का उच्चारण स्थान आएगा, यानी कि आपका आंसर भी हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, इसका तो आंसर हर कोई बता सकता है। गुण, गुण मतलब कि जिसके अंदर गुण हो, तो महाजोर ईश्वर महेश्वर, तो ये आंसर होगा, यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है? महाजोर ईश्वर, ठीक है? महेश्वर हो जाएगा आपका आंसर, जो जिसमें गुण है, ठीक है? याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता, ये दोस्तों हिंदी के वर्णिका का प्रश्न है। हिंदी के वर्णिका में 5 चैप्टर है और 5ों चैप्टर से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है? और 2 नंबरीय क्वेश्चन तो अलग है, 5 नंबरीय अलग है, लेकिन हर साल 2 नंबरीय 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और यहीं पर दोस्तों पूछ दिया, सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना, सातकोड़ी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? दोस्तों ये भी मतलब क्वेश्चन वर्णिका का ही है, ठीक है? नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है, नगर कहानी में, ठीक है? तो नगर कहानी में जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, पापति, ठीक है? पापति एक 12 वर्षीय महिला थी जिसको तेज बुखार हुआ था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? जो ढहते विश्वास कहानी है हिंदी वर्णिका का, वो किस प्रकार की कहानी है, किस भाषा की कहानी है, ठीक है? तो आपको बताना है यहाँ पर आंसर सी नंबर, उड़िया भाषा की है, ठीक है? अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में है, आंसर याद रखना। ये भी दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है? दही वाली मंगमा पाठ का यह क्वेश्चन है, ठीक है? अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, सातकोड़ी होता
कथकार है तो सातकोड़ी होता, मतलब कि उड़िया भाषा के कथकार है। आंसर ये होगा आपका ए नंबर, ठीक है याद रखना। अगला क्वेश्चन, अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 14 का डी नंबर, हृदय की शिक्षा, ठीक है आंसर होगा डी नंबर, ठीक है याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, लेखक ने कितने गद्य की रचना की, यहाँ पर जो 27 दिया है आंसर ए में, तो ऑप्शन ए में तो आपका आंसर यही होगा, 27 गद्य की रचना की थी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनूदित कहानी है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनूदित कहानी है, यह भी हिंदी वर्णिका का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 का सही आंसर होगा नंबर राजस्थानी है, ठीक है यह राजस्थानी है, ठीक है याद रखना। अब यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन है 17 नंबर कि पापति को कौन सा रोग था, तो पापति को मेनिन जाइटिक्स नामक रोग था, ठीक है यह एक प्रकार का रोग है और जो पापति को हुआ था, ठीक है। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी नंबर हो जाएगा, दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, किसने कहा, मैक्स मूलर, भीमराव अम्बेडकर, या फिर बिरजू महाराज, या फिर सच्चिदानंद वत्स्यायन अज्ञेय, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, यह मतलब कि वाक्य फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है और जिसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से आप याद कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो हमारे एक एक वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जो भी मतलब वीडियो आएगा जिस चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे, जिस सब्जेक्ट का बनाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना और ईमानदारी से याद कर लेना, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम समय है फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप हमारे हर एक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, और क्योंकि हमारे इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, और क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में।